अगर यहाँ से खुद मोदी जी भी लड़ लेना इस सीट से, तब भी तीसरे नंबर पे आगे भाजपा। काम कराया तो काजी निजामुद्दीन ने करा, इनके पिताजी ने कराया, जेल मंत्री रहे, बहुत लोगों की नौकरी लगवा दी अच्छी थी, सरकार बीजेपी की थी सरकार। अच्छा तो काम फिर वो तो कांग्रेस के थे, कौन गलती किसकी है दोनों? ऐसे थोड़ा ही है सारा हाजी का ही होगा, पूरा मंगलोर का मंगलोर हाजी का ही होगा, ऐसा कुछ नहीं। अपने भाई को निकाल लें ना। हाँ जी काजी भाई नहीं आप, आप काजी भाई है। जनता की आवाज बनकर उभर रहे हैं काजी निजामुद्दीन। और कस्बे में अलग अलग एरिया है क्या काजी और हाजी का? अलग अलग एरिया है। अच्छा, लेकिन मोंटी कोई जानता नहीं है ऐसा भी कई लोग बोल रहे हैं। काजी जी ने जब लॉकडाउन लगा तो लोगों के घर तक राशन पहुंचाने का काम करा, लोगों को मदद देने का काम करा। बोलते हैं कि अगर विधानसभा में किसी ने आवाज उठाई है तो सिर्फ काजी निजामुद्दीन के अलावा किसी ने आवाज नहीं उठाई। सर आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की, अभी मैं पहुंचा हूं मंगलोर विधानसभा के मोहल्ला मलकपुरा में, और यहां पर हम जानेंगे कि क्या माहौल है, किसको यहां की जनता वोट करने जा रही है। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद गुफरान गुल्लू। गुल्लू भाई ये बताओ क्या माहौल लग रहा है क्षेत्र में, किसकी तरफ जा रही है यहां की जनता? यहां तो मोंटी भाई के फैन है सब भैया। मोंटी भाई जी, मोंटी भाई। क्या कारण है? कारण ये है कि विकास किया उनके उनके जो वालिद साहब थे और जो काजी साहब रहे 40 से 45 साल, उन्होंने कोई विकास नहीं किया, और ये विकास पुरुष आदमी है, इंशाल्लाह इनकी साथ है, हर बिरादर से वोट मिल रहा है इन। पहले नंबर पे भाई मोंटी है, दूसरे नंबर पे बीजेपी है। कोई बोल रहा है कि भाई मोंटी को तो पता भी नहीं चलने का, कह रहे उनके जो वालिद साहब थे वो अब तो उनका इंतकाल हो गया, लेकिन उनके वालिद साहब ने बहुत अच्छे काम करे, लेकिन मोंटी को जानता नहीं है ऐसे भी कई लोग बोल रहे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी, सब जानते हैं, सब जानते हैं मोंटी भाई को, उनके वालिद साहब ने बहुत बड़े बड़े काम कर रखे जी, और वे करते रहेंगे अगर करके दिखाएंगे। उनके कोई विकास कार्य आपको पता है क्या क्या काम जी? उन्होंने यहाँ पे रोडवेज में बनवाया जी 1 डिग्री कॉलेज, और जी शिखर में बनवाया 1 डिग्री कॉलेज, यहाँ से हमारे महल के अंदर 11,000 की लाइन जा रही थी जी, वो हटवाई उन्होंने, वो काम करा, और जी सड़कें सब चीज़ उन्होंने करवाया, पहले नंबर पर उनका विकास कार्यों में नाम आया। आज काजी निजामुद्दीन की एक प्रेस वार्ता भी होटल में रखी गई, वहाँ पर उन्होंने कहा कि जनता की आवाज़ बनकर उभर रहे हैं काजी निजामुद्दीन, और कोई नेता नहीं है जो जनता की आवाज़ बनकर इस क्षेत्र में आ रहा है। देखो ऐसा कुछ नहीं है, जनता की आवाज़ तो कोई नहीं है, जनता की आवाज़ तो मोंटी भाई है। आगे आ जाइए। कहते हैं काजी जी ने जब लॉकडाउन लगा तो लोगों के घर तक राशन पहुंचाने का काम करा, लोगों को मदद देने का काम करा। हाँ कोई राशन नहीं गया सर, आप जिस सड़क पे खड़े हो रहे हैं जिस टाइम पे निजामुद्दीन का दौर था, ये सड़क नहीं है थी, इससे ज़्यादा गड्ढे थे यहाँ पे, किसी से पूछ ले जितने यहाँ खड़े हैं। काजी के दौर में कोई विकास नहीं हो पाया मंगलोर के अंदर, 1% का भी दौर में नहीं हुआ काजी। कई भाजपा वाले बोल रहे ना तो काजी ने करा ना हाजी ने करा, दोनों ने नहीं करा। अजी जो देन है, जो आप सड़क पे खड़े हैं, ये हज्जी की देन है, हज्जी सरबत की देन है, जो आप खड़े मतलब इस रोड पे खड़े हैं, इससे इतने इतने भाजपा वाले ऐसा क्यों बोल रहे भैया? आगे आ जाओ। क्यों नहीं किया काम? इतने तो काम किए हज्जी जी ने, कैसे बोल रहे? काम नहीं किया, वो बोले दोनों ने कुछ नहीं करा। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा। सब ने काम किया, हाजी जी ने दोनों ने करे काम। नहीं नहीं हाजी जी ने करा सिर्फ काम, सिर्फ हाजी जी ने। काजी ने कोई काम नहीं किया यहाँ तक के 40 साल तक के, आज तक कोई काम नहीं किया। अच्छा। दिखा दे बता दे हमें कोई। बोलते हैं कि अगर विधानसभा में किसी ने आवाज उठाई है तो सिर्फ काजी निजामुद्दीन के अलावा किसी ने आवाज नहीं उठाई। आवाज कहेगी, जनता के मुद्दे उठाए, यहाँ की जनसेवाएं जो होती है उनकी कोई मुद्दा बता। जनता को तो विकास चाह रहा है सर, बताओ कौन सा, आप बताओ। हाजी ने काम जी, लेकिन हाजी के जो स्कूल बने वो रुके पड़े, वो भी चल जाएंगे जी, सब चल जाएंगे जब कोई चीज बन जावे जी वो करने के लिए हो। अच्छा। हाँ तो किसकी वजह से रुका पड़ा स्कूल, कौन है उसका नहीं हुआ? सरकार की वजह से रुक रहा, सरकार में तो आपके हाजी जी रहे नहीं रुक गया, सरकार तो बीजेपी के, तो बीजेपी गलती है ना जी, बीजेपी गलती है, तो विधायक की गलती नहीं है। आप बताओ भैया किसकी गलती है फिर, मालूम नहीं है क्या? नहीं नहीं इस बारे में मालूम नहीं है, सरकार की गलती है। तो सरकार किसकी थी? सरकार बीजेपी की थी सरकार। स्पाई कैंडिडेट है। अच्छा तो काम फिर वो तो कांग्रेस के थे, कौन तो गलती किसकी है दोनों में? सही बोल ले जी, बिल्कुल बिल्कुल सही करा मोंटी भाई ने, मोंटी भाई ना उनके बाप ने सब कुछ कर गए, बाप हाजी जी ने बहुत इतना काम कराया जी, अब तक किसी विधायक ने नहीं करा काम यहाँ पे जी, 40 साल से काजी जी जीतते आ रहे, क्या कराया उन्होंने मंगलोर, ऐसा क्या सही है आज भी? मंगलोर कस्बे में अलग अलग एरिया है क्या काजी और हाजी का? अलग अलग एरिया है। अच्छा। ऐसे थोड़ा ही है सारा हाजी का ही होगा, पूरा मंगलोर का मंगलोर हाजी का ही होगा, ऐसा कुछ नहीं भाई। अगर मान लिया हमने 80% हाजी जी का है, 20% काजी जी, मोंटी भाई इन्हें वोट
किस बेस पे आप दे रहे हैं क्या, क्योंकि ये विधायक इनके पिताजी रहे हैं। कई लोग बोलते हैं भाई इनके पिता जो थे वो कुछ अलग टाइप के थे, लेकिन जो इनके बेटे हैं इन्हें अभी तक देखा नहीं है हमने, लेकिन ये कह रहे कि भाई इस बार थोड़ा मामला कुछ और है, कह रहे काजी को देखते हैं। इनको जब हम बनाएंगे तभी तो ऐसे बनेंगे अपने बाप जैसे, ऐसे थोड़े ना बन जाएंगे। जब हम इनको उससे देखेंगे आंखों से कि भाई इनके बाप जैसे बना रहे हैं, हम ही तो बनाएंगे, जनता ही तो बनाएगी उनके बाप जैसे। जी जीत आगे हम बनाएंगे इंशाल्लाह जी। आज उनकी इतनी बड़ी जनसभा थी नारसन में, सारे किसान लोग वहाँ थे, बोल रहे कि भाई काम कराए तो काजी निजामुद्दीन ने कराया, इनके पिताजी ने कराया, जेल मंत्री रहे, बहुत लोगों की नौकरी लगवा दी, वैसे सब खरीद दे भेजी, वैसे इकट्ठे हो जहाँ सब जा गए, जो कुछ नहीं है जी। हाँ वैसे ही जी, यहाँ कोई खरीद रखा नहीं किसी ना जी, यहाँ कोई खरीद नहीं रखा, यहाँ दिल से है, यहाँ तो हाजी सरवत करीम अंसारी दिल से है। मंगलोर में 24,000 अंसारियों की वोट है जिनमें से 18,000 वोट मिलेगी, ऐसा भी है? किसको मिलेगी जी? महाराज इन्हें मोंटी भाई आज भी बिल्कुल मिलेगी। कह रहे कई लोग बोल रहे कि इस बार तो अंसारी भी याद दरा लिए। नहीं नहीं झूठ बोल रहा जी, गलत बोल रहा जी, झूठ बोल रहा बिल्कुल। 24 की 24 तो पड़ती नहीं, ठीक है जी, लेकिन जितनी पड़ेगी सारी मोंटी की होगी इंशाल्लाह। कुछ नहीं पड़ कुछ नहीं पढ़ने का, कुछ नहीं पढ़ने का। जब वो जो इधर आ जाओ जी, बड़े मियां साहब इंशाल्लाह 20,000 वोट पड़ेगी। किसे? मोंटी भाई को ही, मंगलोर से जी। मिला गया अंसारी सबकी मिला के जी, और इस बार और भी बिरादरी आ रही जी। अच्छा। जी दलित सम्मान मिल रहा? मिल रहा जी, बिल्कुल मिल रहा जी। मुस्लिम भी मिल रहा जी? बिल्कुल मिल रहा जी। हाँ जी, जिगत बिरादरी जितने भी है, नाई कसाई धोबी सब। आज वो भारतीय जनता पार्टी वाले बोल रहे कि ना तो काजी ने कुछ करा और ना ही हाजी ने कुछ करा, कह रहे अब करूंगा क्षेत्र का विकास, मैं कह रहे मंगलोर का बनाऊंगा बेंगलोर। उनका तो नाम ही नहीं लो जी, उनका तो गिनती मिलना है मंगलोर में, वो तीसरा नंबर कैंडिडेट है। यही ऑफिस बना रखा बाहर सड़क पे, पड़े बना रखा ऑफिस से क्या हो, ऑफिस से कुछ नहीं होने का, तीसरे नंबर के कैंडिडेट है। अगर यहाँ से खुद मोदी जी भी लड़ लेना इस सीट से, तब भी तीसरे नंबर पर आगी भाजपा। भाजपा जीतने की ना कभी भी नहीं, कितने ही है। अरे ये जो दावे कर आगे आइयो जी, आगे आ जाओ, ये जो दावे कर रहे हैं बड़े बड़े कि इस बार तो हम निकल के रहेंगे सीट, पढ़ने दो जी, कोई बात नहीं, यहाँ से सीट यही निकलेगी। ये तो अपना इलेक्शन है बस, सब अपने अपने कारण कारण क्या है, भारतीय जनता पार्टी सीट को अपना निकाल नहीं पाती है। अपने भाई को निकाल लेना, हम अपने भाई को निकाल लेना। हाँ जी भाई, नहीं आप, हाँ काजी भाई है, बतेरे वोट दिए काजी को भी, बहुत वोट दिया आपने, दिया क्या जो काम करवाया उन्होंने, काम करवाया उन्होंने भी, काजी जी ने काम करवाया। तो अब इस बार किसको वोट जा रही है? अब जाएगी मोंटी भाई को। हाँ हाँ जी, अंसारियों का वोट सारा जी, अब को ना तो रहेगा फूल ना रहेगा पंजा, अब को हाथी करेगा सबको गंजा, बस अजी आने करेगा बिल्कुल पक्का। क्या करते हो? मेरा तो कबाड़ का काम है जी। हाँ फूल वालों का क्या होगा? गए तो सब नू हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे सब। तीसरे नंबर के कैंडिडेट है यार, बच्चा गिर जाएंगे। ये ऐसे ही जाट समाज, गुज्जर समाज, जो दलित समाज, काफी जाट तो कभी भी नहीं देने का इसो, ये भाजपा को कभी भी नहीं देने का, यही तो बात है। कैसे कैसे? ये तो बेतरा हुआ आंदोलन इनके साथ में, इन्होंने बेतरा जुलम करा उनके साथ में किसानों की, ये भाजपा ने तो इसे किस तरह दे देगा वोट, इसे तो देने का ही नहीं। तो आपने लोकसभा में किसे दी थी वोट? जी लोकसभा चुनाव में किसे दी थी वोट? किसने? हमने कांग्रेस को दी थी। अच्छा। जी और अब के मोंटी भाई को देंगे। ये सच है? बिल्कुल सच है। यहाँ तो चेहरे का इलेक्शन है, यहाँ पार्टी का इलेक्शन नहीं है, मंगलोर सीट से चेहरे का इलेक्शन है। यहाँ मोंटी भाई देखे हाजी सरवत करीम अंसारी जी। यहाँ स्कूल या सड़के या कुछ करवाया भी नहीं? हाँ करवाया, 2 डिग्री कॉलेज रखे मंगलोर को हाजी जी ने। चल तो दोनों में से कोई चल रहा, क्यों नहीं चल रहा? नहीं चल रहा यहाँ पे पीरपुरा का सामने, और यार सिक्कर वाले भी चल रहा, कौन कह रहा चल नहीं रहा, सब चल रहे। वहाँ स्टाफ ही नहीं है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, स्टाफ उस टाइम नहीं था। इस टाइम 2017 में काजी निजामुद्दीन जीते थे, उस टाइम नहीं था, जब हाजी जी जीते तभी स्टाफ आया वहाँ से जी। पूरी क्षेत्र की जनता एक तरफा ही है, एक तरफा इलेक्शन है भाई, यही की नहीं हर जगह एक तरफा इलेक्शन है। मुझे तो ऐसा लग रहा है मंगलोर से मिल रहे मोंटी को। गलत है तुम, मुझे ऐसा लग रहा है तुम मंगलोर में घूम रहे। मैं तो सब जगह घूम रहा हूं। सब जगह नहीं घूम रहे, अगर सब जगह घूमते तुम ये बात ना करते जी। आपको हक उसी का ही, एक मिनट आप भी आ गया हो, उनका जो हक है क्या, किस कारण? बाजी मर गए थे ना, अभी तो 2.5 साल है उसके, उसका हक है, उसी का हक है। क्षेत्र की जनता चाह रही है इस बार मोंटी बन, उसी का। हाँ उसी का हक है। जो जो लोग कांग्रेस के भाजपा के साथ भी चल रहे
उनका मैं भी उसकी साथ आवाऊंगा, उसका हक है, सब आदमी नुगारे उसका हक है, अभी ढाई साल उसी को रखो। वो बड़ा हम बनाएंगे, जनता बनाएगी उसको बड़ा, जैसे उनके बाप है ना, ऐसे ही मोन्टी को बनाएंगे हम। भारतीय जनता पार्टी वाले ये कह रहे हैं कि बनते ही 1000 युवाओं को रोजगार देने का काम करूंगा। अब तक तो कुछ नहीं मिला जी, मोदी जी ने दिए हो 15 साल हो गए, मोदी जी ने सरकार चली, अब तक क्या रोजगार मिला बताओ? 2.5 करोड़ युवाओं का वादा करा था मोदी जी ने, 1 लाख कौन दिया? 2.5 करोड़। अच्छा ये कह रहे 44,000 वोट जब कांग्रेस को पड़ गया लोकसभा में, तो अब देख लो यहाँ से कांग्रेस ही निकलेगी। ये तो नहीं निकले, नहीं काजी जी कह रहे, ये काजी जी का बहम है, काजी जी का बहम है, ये काजी जी का बहम है। ये तो एक लहर थी जी, ये एक लहर थी जो कांग्रेस को दिया सबने, वोट कांग्रेस को वोट दिया वो काजी जी वजह से दिया हमने। यूँ कह रहे इन्हें, वो पीछे कांग्रेस वाले मिले थे मुझे काजी जी वाले, कह रहे नए नए लड़के ने कौन जानने भी। कौन कह रहे? ये मोंटी भाई को कह रहे, मोंटी भाई नहीं, मोंटी भाई को दुनिया जाना है। सर इनके पिताजी तो बेचारे बहुत बढ़िया थे, एक बुजुर्ग व्यक्ति था जाट समाज का, कह रहा भाई वो तो वाकई में बहुत बढ़िया आदमी थे, बहुत ही बढ़िया आदमी थे। सभी जाने जी अभी बहुत बड़े आदमी मोंटी भाई, मोंटी बहुत अच्छा आदमी जी, नेता चाह रहा। अच्छा जी, किसी के काम को कोई मने नहीं कर रहा, रात को लाइट से परेशान रहे, रात को तड़क में आया उठ के, काजी निजामुद्दीन ने तो मना कर दी थी। वो कह रहे मैंने उस समय काम करा जब लोग अपने घर से बाहर ही निकल रहे थे, काजी जी साफ तौर पे कह रहे हैं। झूठ बोल रहे जी, झूठ बोल रहे। अरे विधानसभा मेरे जैसे किसी ने अगर आवाज उठाई हो क्षेत्र की जनता, किसी ने उठाई नहीं। नहीं नहीं झूठ बोल रहे जी, झूठ बोल रहे। मोंटी के साथ है जनता। हाँ जी, हाँ जी, मोंटी भाई, मोंटी भाई।